कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे यार। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी गणेश जी का दिन आ चुका है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरा जाओ भी इतना एक्साइटेड हो रहा है। तो इस साल भी रखेंगे, हमारे सामने घर के सामने ही रखेंगे सारे लड़के, मतलब कुछ लड़के हैं जो मिलके रख रहे हैं गणेश जी। करण भी है उसमें, काफी लड़के, अरुण भी है, बहुत सारे लड़के हैं जो मिलके रख रहे हैं। तो उसी में हम एक छोटा सा गणेश जी भी लाएंगे। मेरा जाओ जिद कर रहा है बहुत ज्यादा, तो सामने रखेंगे, उसे नहीं दिखेगा अपना छोटा सा गणेश जी, तो वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। कल भी रो रहा था पापा लाना है, तो उसके पापा बुक कर ही आए हैं छोटा सा, तो वो भी लेके आएंगे। तो कल शाम को हमारे गणेश जी आएंगे, तो आपको सारी चीज दिखाएंगे। और सुबह मुझे कहीं जाना है, मेरे को कहीं इन्वाइट किया हुआ है, वहाँ भी गणेश जी आ रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊंगी जितना हो सकेगा। और फिर 4 बजे से पहले घर आ जाऊंगी, तो शाम को यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ भी दिखाऊंगी जो भी होगा। और आज मैं रेडी हुई थी, मेरी सिस्टर आई थी घर पे, मैंने मराठी लुक किया था, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, देखना मेरी रील बनाई है, और देखो देख ही सकते हो कितना अच्छा मेकअप किया है उसने मेरा। सुंदर लग रही हो ना? अपनी तारीफ खुद ही करती हूँ। और देखो बहुत अच्छा लगा। और हम जहाँ गणेश जी बिकते हैं वहाँ भी गए, हमने बहुत सारी रील बनाई, ढोल पे डांस भी करा और बहुत मजा आया, सब मुझे देख रहे थे सारे, और बहुत अच्छा लगा। तो लड़के नीचे छप्पर में तैयारी कर रहे हैं, मतलब छप्पर को डेकोरेट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि कल हम गणपति लाए, उन्हें बिठाएं, पूजा करें। तो अभी चलते हैं नीचे और दिखाते। सो हे गाइस, तो उससे पहले मैं पहले एक बात बोलना चाहूंगी आप लोगों को, तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती थी हेलो गाइस, तो हेलो गाइस हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोलेंगे, मेरा मन नहीं है हेलो गाइस का। और क्या कहते हैं, अपने ब्लॉग की शुरुआत करेंगे हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ये भी बहुत अच्छा है, काफी लोग बोलते हैं तो अच्छा लगेगा। जैसे मैं बोलती हूँ हाय माय इंस्टाग्राम फैमिली, तो आप बोलेंगे हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो इससे बोलेंगे। बस ऐसे कुछ लोग थे जो मुझे ट्रोल करते थे बहुत ज्यादा, जब भी जहाँ भी मिलती थी हेलो गाइज वो हंसते थे बोल के, लेकिन मुझे पता है वो ट्रोल करते थे, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कुछ करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे सामने बोले जब उन्हें पता लग गया मैं क्या हूँ क्या नहीं, और मैं जो करती हूँ अपने दम पे करती हूँ और अपने हस्बैंड के दम पे करती हूँ, और जो भी हूँ मतलब जो भी मैं करती हूँ उनकी मर्जी से करती हूँ, पूछ के करती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। मेरा शूट वूट काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसे करती है वैसे करती है, मैंने सुनने में आया है, तो हाँ भाई अपने दम पे करते हैं, किसी और के दम पे नहीं करते हैं। तो ठीक है, आप भी करो, है ना, आप भी करो, फायदा होगा, फेमस हो गए यार मेरी तरह जैसे हम हो रहे हैं। तो चलो फिर दिखाते हैं लड़के क्या कर रहे हैं। तो और श्वेता ये जाएगी, लब्बो, लब्बो नहीं, श्वेता जाएगी नीचे और ये दिखाएगी इसके सारे भाई क्या कर रहे हैं। तो चलो काले पीलो को दिखाओ क्या कर रहे हैं। देखिए मैं तुलसी को मुझे पानी लग रही है मग्गे में, पानी के लिए आया था अभी, पानी के टेस्ट पे खेलना है, दो जल्दी दो, कर्मचारी आए यहाँ पे। तो देखिए सारे लड़के लगे पड़े टेंट वेंट लगाने, और हमारा बाबू अविनाश खेलता हुआ रात को, और लब्बो तो सो गई, जाओ भी सो गया, बस अविनाश खेल रहा है, इसके पापा टेंट का काम कर रहे हैं ना इसलिए। और ये हमारे कालू देखिए, और कल कितने बजे आएंगे हमारे गणेश जी, कितने बजे आएंगे अमित भाई हमारे गणेश जी, शाम को 6 बजे 5-6 बजे चलो। हाँ ये लो, इसे भी ले लो, ये कह रहा है मुझे नहीं लोगे, लेंगे। और हमारा अविनाश खेलता हुआ हेल्प करवाता हुआ, हेलो गाइस, मेरा मेहमान कहाँ है, मेरा मेहमान। ये देखो इन्हें
इधर बांध इधर खल्ली में बांध रहा। बदतमीजी बच्चे हैं ये। ये देखो हमारा विनाश। क्या बात है, हेलो गाइस तो फेमस हो रहा है हमारा। कैसे सब ठीक है गणपति बाप्पा? बोलिया बोलिए बाबा जी, बोले की बोलिए, बोले बाबा बोले, बोल बोल बाबा। ये देखो बच्चे काट के देकर चक्कू में मेरा मां जल्दी बोले की बोल, बोलो बोलो जी, बोले की बोल दे। हेलो बोले बाबा, बोल दे बोले बाबा, मैं बोला पापा। घूम रहा है, क्या बोल रहा है? चाय वाय दी इन्हें, बच्चों को चाय दी? हमने चाय दी थी इन्हें, कितने दी चाय? चलो शुक्र है इन्होंने चाय तो दी। और तू क्या कर रही थी यहाँ बैठी बैठी? यहाँ देखे जा रही है इन्हें। हेलो अविनाश, क्या बोल रहे थे अभी आप? बोले बाबा। मेरे बोले बाबा। चिल्लू मारते हुए काम कर रहा है ना तू? कच्छे में गणपति बाप्पा बोरिया। चल तो चलेंगे, तो काम हो चुका है, चुन्नी बांधेंगे ये देखिए, और कल दिखाएंगे आपको जब गणपति बाप्पा लेके आएंगे। हमारे अमित भैया मेहनत करते हुए सारे लड़के। बाबू क्या कह रहा है? अब की बार झांकी बुलाएंगे हम और कालू गणेश जी। असली नाम तो ले लो, लखन है इनका असली नाम। ससुराल वाले वीडियो देख रहे होंगे। हरकत देखो जवाई की। घड़ेदार फट्टी टूट गई, तो ये क्या था मनीष? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अरुण जी मेरा देवर है, ये मेरा देवर है देखो। तू गणेश जी का वो लगा के गाली वाली देगा? तूने भी गाली, इसने भी गाली दे रहा था अभी, तो प्लीज ऐसे मत करो, गाली मत दो। क्यों ढक रहे हो मुंह बार बार? तुम ही तो असली हो गणेश जी हमारे। हाँ की मूर्ति ला रहे हैं, और ये मेरा देवर है अरुण, इसकी मेरी लड़ाई चल रही है अभी, लड़ाई है अभी तेरी मेरी। तो ये देखिए करण भी कोने में इधर उधर होते हुए। भाई गिरा, मेरी भाभी मजाक में जा रही है, जिम की ताकत। ये देखो डेकोरेशन, ये चुन्नी, ये और अब हम जा रहे हैं, तो कल दिखाएंगे आपको जब गणेश जी आ जाएंगे। हमारा बेटा भी सफाई करते हुए। हाँ हम जा रहे सोने, बच्चे काम में लगे, और देखो हमारा सबसे प्यारा बच्चा असली मेहनत तो यही कर रहा है हमारा बाबू, है ना? असली मेहनत कर रहा है ना हमारा बाबू। गेट जल्दी से देखो दीदी क्या हो रहा है ये। नहीं नहीं ये मत करे। बेचारे ये पुरुष सुबह का लगा नहीं गिरेगा। तो गाइस मैं आपको बता रही थी, सारे लड़के मिलके गणेश जी लेके आ चुके हैं, और बेचारों ने बहुत मेहनत करी, जैसे कि मैंने दिखाया, रात को भी दिखाया, सुबह 5 बजे तक लगे हुए थे लड़के, सारी साफ सफाई सारी चीज में। और अब लेके आए तो सारे नहाने गए, अजय भी नहा के आ चुका है, देखो तौलिया बांध रखा है, तो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। तो अभी वो ड्यूटी से भी आया है, तो अभी मैं काट रही हूँ आलू बैंगन, सब्जी की तैयारी, तो सब्जी बनाएंगे, और मैंने सलाद भी काट लिया है, बीट रूट, ये देखो अब सलाद बनाएंगे, प्याज खीरा, और मेरी गाजर, ऑरेंज गाजर मेरे को बहुत फेवरेट है, वो खराब कर दी उस लड़की ने, देखो इसने, और अभी इसे छेता है, मैंने पिटी है ये मेरे से। और अभी मैं करण के लिए, मतलब शाम को वो ही खाते हैं, एक सलाद बनाती हूँ दाल वाली, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ।
तो फिर चलो चलते हैं, दिखाऊंगी और फिर गणेश जी की पूजा करेंगे तो सारा कुछ दिखाऊंगी कैसे मंदिर सजाया है और इतना अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर चलते। तो देखिए मैं दाल, ये वाली दाल है वो साबुत, शायद कौन सी दाल कहते हैं इसे मुझे भी नहीं पता, आप बता दें कमेंट में। साबुत उड़ा तो पता नहीं, मलका ऐसे कुछ कहते हैं। और यही मैं करण के लिए बनाती हूँ शाम के टाइम, यही खाते हैं वो। तो मैंने एकदम ना के बराबर तेल डाला है इसमें, एकदम ना के बराबर, हल्का सा रोस्ट करेंगे इसे बस। तो मैंने हल्का सा ही रोस्ट करूंगी इसे, इतना ही हल्का सा रोस्ट हो रहा है। तो मैंने देखो ये काट लिया, इसमें बीटरूट और प्याज है और खीरा है, बारीक बारीक काट लिया। और इसमें मैंने नींबू डाल लिया और अब मैं डालूंगी काला नमक। मैंने इसमें काला नमक डाल लिया, काला नमक डाला है मैंने इसमें। और अब इसको निकाल लेंगे इसके अंदर। तो देखिए ये बन गया हमारा सैलड, ये बनाया मैंने सैलड और शाम के टाइम यही खाते हैं वो। और इसमें मैंने हल्का सा नींबू भी डाला है, काला नमक और नींबू, और ये बहुत टेस्टी लगता है और हम भी खाते हैं इसका तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत हेल्दी भी है और शाम के खाने के लिए हम डेली सलाद भी खाते हैं हम लोग, तो मैंने सलाद भी काट लिया। देखो इसमें भी बीटरूट, प्याज और खीरा है और गाजर मैंने बताया था आपको, ख़राब कर दी हमारी लब्बों ने। और अब मैं बनाऊंगी सब्जी, तो 5 मिनट में मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। ये देखो मैंने सब्जी का भी सामान तैयार कर रखा है। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन और चलो फिर दिखाएंगे, अपने पूजा करेंगे, अभी सारे तैयारी कर रहे हैं। चलो दिखाती हूँ तुम्हें अपने छजली पे से, ये देखो सब तैयारी कर रहे हैं। ये देखो हमारी मूर्ति अभी खोलेंगे हम। और ये देखो पवन, पवन, ये पवन, पवन तू कितना गोरा आ रहा है। कालू, कालू देखो कुछ खाते हुए। ये देखो तैयारी कर रहे हैं। दे दे क्यों, हमारी चीज नहीं खाती थी, पैसे नहीं चाहिए हम लोग को, वो दे दे एक, तो दे दे एक पापड़ नहीं देगी। ए भूखी दे दे, मैं भी नहीं दूंगी अभी, केक कटेगा देगी नन्नू का, मैं भी नहीं दूंगी केक, नहीं अब मैं नहीं ले रही। और हाँ मैं आपको बताना भूल गई, ये दाल है ये मैंने सुबह ही भिगो दी थी, मैंने बताया नहीं था, कई जने उबली हुई दाल लेते हैं तो उबली हुई नहीं है ये, भिगो के रखनी है, भिगो के सुबह रख दो और शाम तक ये एकदम अच्छी हो जाएगी। और हल्का सा रोस्ट कर दो, अगर स्वाद के लिए आप तीखा खाते हो तो एक हरी मिर्च को बीच में से कट करके उसके साथ भी रोस्ट कर सकते हो, वरना आप लाल मिर्च जरा सी डाल सकते हो, पीसी हुई तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैंने हल्की सी लाल मिर्च डाली टेस्ट के लिए और मैंने टेस्ट भी किया ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी बनाना, बहुत हेल्दी है ये और बच्चों को भी खिलाना, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है ये। हेलो रिया, मैंने तुम्हारे लिए वो बनाया सैलड, किसे? ये देखो कहाँ चढ़ रहा है हमारा खड्डू ओए देख जल्दी, ओए खड्डू ये देखो सबकी हालत खराब, क्यों मार रही है? पापा को तो बता दे, पापा को पापा को, वो तो कह दे सिस्टम वाला, पापा को सिस्टम तो कह दे। उई मैया गुस्सा, अरे वो तो बोल दे पापा को सिस्टम वाला।
तू आई बन रहा है? शू कह रहा है कच्चे में तो हो तुम, मैंने सैलेड बनाया तुम्हारे भाई के लिए, देखो चार गणपति है, ये हमारे गणपति है असली रियल गणपति। एक बार मैं अब हमारी गली में रौनक रहेगी जब तक हमारे गणपति जी बैठे रहे। हाँ 10 दिन तक मजा आएगा, है ना लब्बो, मजा आएगा। वो सिस्टम वाला तो कह दे एक बार सैलड, तो कालू बताएंगे कैसा लगा सैलड है ये, देखो भाभी ने कैसा बनाया खा के। कैसा है, कैसा है? ये मोदक खाने वाला बंदा है तो इसलिए क्या रहे ने? हमारा गाना तो बता दो इन्हें, बहुत जल्द आ रहा है, कब है बता तो दो इन्हें। अगले महीने हमारा गाना आ रहा है कालू, तो बहुत खुशी है मेरे को इस गाने के लिए, मैं वेट कर रही थी ये गाना जल्दी से हो हमारा, हमारे बाबा का गाना खाटू श्याम का। और ये मस्ती करते हुए तो ये घोड़ा लेके आए थे लब्बो के पापा कल सदर से लब्बो के लिए। लब्बो दिखाओ घोड़ा अपना, पापा को क्या बोलेगा, बोल तो दे पापा को, पापा को थैंक यू तो कह दो, थैंक यू तो कह दे पापा को। इसे छेड़ने नहीं दे रही कौन है, ये तो कालू लग रहा है कालू चाचा आ हंस रही है मुंह बना के नीचे गई कौन है? क्यों क्यों सिस्टम तो बोल दे। हेलो, ए हमारी लब्बो नहा ली है, सुबह भी नहाई थी और अब भी क्योंकि कल से जब से ये लड़के नीचे तैयारी कर रहे जब से ये बच्चे भी नीचे ही हैं। और ये देखो अब, और जयू कर रहा है पढ़ाई अपने स्कूल की, जब तक ये लिखेगा नहीं पूरा तो ये जाएगा नहीं नीचे, तो जल्दी लिख। बता इसको, ढोल वाले आ चुके हैं नीचे और सारे आवाज मारे, तो चलो चलते हैं गणेश जी को घुमाएंगे। और ये मैंने ये सूती चुन्नी ओढ़ी है क्योंकि इसकी चुन्नी हैगी लेकिन इसकी चुन्नी सर पे से रिपटती है, और डांस करेंगे तो बहुत मजा आएगा, तो चलो चलते हैं फिर और दिखाते हैं आप लोगों को भी।
बजाया तो बहुत अच्छा ढोल बजाया। पैर हाँ, ये मेहनत है, ये हाथों ना ऐसे, ये मेहनत है और बहुत अच्छा। जिसे भी ढोल बजवाना हो तो हमें बताए, हम उसे कॉन्टेक्ट करेंगे और बुलाएंगे। और बहुत अच्छा बजाया, अरे देखो मजा आया ना शिवानी ढोल में। हाँ जी जाते रहो। ये देखो, ये पंडित अमेरिका से बुलाया गया है, ये पंडित अमेरिका से बुलाया गया है। अरे सामने ही रहते हैं हमारे घर के, तो भाई गणपति बापा जरूर लिखना कमेंट में। ये इनके हेडबैंड है, हाँ लगो बैठी। मेरा दूसरा वाला फोटो आ चुका है। लहसुन टमाटर हरी मिर्च, और ये देखो सब लड़कों ने बहुत मेहनत की है बहुत, और देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया है बहुत ज्यादा। और अब आरती की तैयारी हो रही है, आरती कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आरती की। और हमारी गीता दीदी भी खड़ी है यहीं पे। हाँ हाँ जी हाँ, मुझे पता है क्यों इतना नहा धो के अच्छे से आयो, पर्पल टी शर्ट पहन के। और हमारी ज्योति दीदी, क्या चाहिए दीदी आपको, क्या चाहिए क्यों? और ये आ तो रहे, क्या बोला तूने, क्या बोला, क्या ये गंगा जल का छिड़काव हो रहा है। देखो क्या कह रही है तुम, अभी वो बिजी है भक्ति में, अभी जवाब नहीं देंगे, भक्ति में बिजी है अभी, वीडियो बनाती हुई। कैसे बोल रही है लब्बो, लब्बो वीडियो में कैसे बोल रहे हो आप, लब्बो लब्बो ब्लॉग बना रही है, देखो सीरियस होके। और कह रही है श्वेता को भी, कह रही हटियो फैन बनाओ ब्लॉग, बनाओ मैम, बना लो मैम ब्लॉग, बना रहे हो, इतना इतना मत गणेश जी की बनाओ मैम, गणेश जी की बनाओ, श्वेता की बनाओ, श्वेता की बनाओ मैडम, श्वेता की बनाओ, इन्हें बोल तो दे, गणपति बापा तो बोल दे, मोरी की बार फिर तुझे भोले बाबा बनाएंगे, दीपा आपकी बार भी भोले बाबा बनाएंगे। कह रहा है सस्ती भोली है, कह रहा सस्ती भोली है ये, ए सस्ती भोली कौन सा टॉप है ये, छाटो छाटो बीस छाटो बीस। देखो ब्लॉग बना लिए लब्बो अपने पापा का, देख लो करण ये ब्लॉग बना दिया, देख लो वो चिल्ला रही है,
कोल्ड ड्रिंक सबके लिए, ये लेडीज यूं कह रही है भर के दे गिलास, और यहाँ सबको दे दी। देखो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, हाँ बंद करो ना अमित मामा, चलाओ गणपति बाप्पा। ये चप्पल चोर है, हर किसी की चप्पल चुरा लेती है। अपने पापा को शिकायत करते हैं। देखो कोटा है, क्या नाम है इसका? इसकी मम्मी ने क्या करा था? तो 10 दिन रौनक बनी रहेगी, तो एक बार जयकारा लगा। गणपति बाप्पा।